सनी ब्लॉग। और देखिए आज हम आए हैं घूमने के लिए, मैं और पापा, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ी देर में ही धूप निकल जाएगी, तो दो या फिर दो तीन दिन बारिश हुई थी, इसकी वजह से देखिए घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और ना पहले इतनी बड़ी बड़ी घास नहीं थी। और ये देखिए लूमी के बच्चे सुबह सुबह बाहर आ गए हैं और मस्ती से खेल रहे हैं। ये है मेरा स्कूल। लॉकडाउन कोरोना की वजह से सब स्कूल बंद हो रहे हैं, सब स्कूल तो छोड़ो, सब कुछ बंद हो रहा है। अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है इस साल तो, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी हुई थी तब मैं स्कूल को मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन जो हम ऑनलाइन स्कूल की बात ही कुछ और है। हम एक साथ बैठ के लंच करते थे, खेलते थे और भी बहुत काम। मैं और पापा आ चुके हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मुझे पता था मम्मी चाय बना रही होगी। और मम्मी जी क्या बात है, आज आपने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली? बेटा और देखो आपकी चाय। और ये राघव टी शर्ट निकाल के क्यों लेटा है? राघव को नहाने के लिए बोल रही हूँ, बहुत देर से नहा लो राघी। अरे मेरे साथ ही नहा लेगा, जब मैं नहाने के लिए जाऊंगा ना तो ये मेरे साथ ही नहा लेगा। अभी चलो टी शर्ट पहनो, मैं नहाना, जब मैं नहाऊंगा ना जब ही नहाना। मम्मी ला रही है नाश्ता और चलो देखते हैं मम्मी ने दूध के साथ मखाने। बहुत टेस्टी है और नमकीन भी है। आप और अभी मम्मी ने लगाई है मशीन, इसलिए हम अभी नहाने के लिए नहीं गए। मम्मी ने कहा था पहले नाश्ता ही कर लो फिर नहाने के लिए चले जाना, जब मम्मी कपड़े धुल लेगी जब हम नहाने के लिए जाएंगे। ये जो मखाने हैं ये मैं शाम ही लाया था और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और देखिए इसने पहले ही दूध खत्म कर दिया है, मैंने अब तक एक ही घूंट दूध पिया है और इसने पूरा आधा गिलास 5-6 घंटे के अंदर खत्म कर दिया है। मुझे खाने से ज्यादा दूध पसंद है, दूध के बिना मुंह पे रहा नहीं जाता है। अब मैं नहा चुका हूँ और मैंने सूर्य भगवान को पानी भी दे दिया है और मम्मी कपड़े भी धो चुकी है। अब देखते हैं चलो मम्मी क्या कर रही है। मम्मी बना रही है मलाई से मक्खन, जो हमारा गांव में से दूध आता है, हम जो उसमें से मलाई निकलती है वो हम इकट्ठी करते हैं पहले और फिर उस मलाई से मक्खन निकलता है।
मम्मी ने भिंडी भी काट दी है, आज लंच में दोपहर को भिंडी बनेगी। भिंडी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। देखिए मक्खन आ गया है बिल्कुल फ्रेश। अब मम्मी इस मक्खन को गरम करके इसका घी बना देगी और मम्मी एक छोटे बाउल में थोड़ा सा मक्खन हमारे लिए भी बचा के रखेगी। देखिए ये है मक्खन और इसको मम्मी डाल रही है एक दूसरे बड़े बाउल में जिसमें पानी है और मक्खन पानी से साफ हो जाएगा। ये देखिए ये मक्खन है और ये है मट्ठा। मलाई पे डिपेंड करता है, मलाई अगर थोड़ी पुरानी है तो इसमें स्मेल हो जाएगी और मलाई अगर ताजी है तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इसको कुछ खाने के साथ पी सकते हो और इसकी आप कढ़ी भी बना सकते हो। अब मैं इसे गर्म होने के लिए रख रहा हूँ। अब मैं इसको गैस पे छोड़ देता हूँ और अब मैं और राघव पढ़ेंगे। अब हम सबका लंच का टाइम है और लंच में है भिंडी और दही और रोटी। चलिए आप भी खाइए हमारे साथ भिंडी और दही। मम्मी जी, हाँ जी, इसमें बहुत भिंडी में बहुत नमक तेज हो रहा है। मैंने टेस्ट नहीं किया था, टेस्ट करके देख लो, है ना? थोड़ा सा तेज हो गया, कोई बात नहीं, दही तो है साथ में, दही के साथ खा लो फिर। हाँ। पापा गए हैं ऑफिस, चलो मम्मी देखते हैं क्या कर रही है। बैग रखा रहे हो? पापा ने मामा के जाने के लिए हाँ कर दी। हाँ? हाँ। और हम कब जाएंगे? हम कल जाएंगे। हम सच में घर को मामा के घर जा रहे हैं। मामा के घर जाएंगे, मजा आएगा, 12 में आएंगे। पापा ने 10 दिन से कह रखा था कि कभी 5 जून को जाएंगे, खैर पापा मान ही गए। और किस टाइम जाएंगे कल? टाइम का कुछ नहीं पता कब जाएंगे, लेकिन हाँ जाएंगे। टाइम भी तो फिक्स करना चाहिए। टाइम फिक्स नहीं है, हम तो खूब मस्ती करेंगे ट्वेल्थ में। हाँ, ठंडा ठंडा पानी, खूब मस्ती करना एक महीने के लिए। एक महीने के लिए? एक महीने में हम कितनी बार ट्वेल्थ पे नहाएंगे? 32 पूरे जून में 30 डेज होते हैं, ठीक है? ये मम्मी का बैग है और ये तुम दोनों का रहेगा। ये खाली आपके कपड़े हैं इतने सारे? और ये हमारे इतने से लग रहा है कि 2 साल के लिए जा रहे हैं। बैग तो आपने 4-4 बांधे हैं। तो फाइनली हमारे बैग लग चुके हैं और कल हम जा रहे हैं मामा के घर। कल से मैं मामा के घर की ही वीडियो डालूंगा एक महीने तक, और उसके बाद जब मैं घर आऊंगा तो यहाँ की वीडियो डालूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो देख तो रहे हो लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।